गुजरांवाला में मुबैना तौर पर तीन मुलजिमान ने गदाघर खातून को इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाकया 17 दिसंबर को पेश आया, जिसकी इतला मुतासरा खातून ने गुज़िश्ता रोज़ दी। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून के शोहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके दो मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून का मेडिकल करा लिया गया, जिसकी रिपोर्ट अब तक मौसूल ना हो सकी। मुतासरा खातून ने पुलिस को गए बयान में बताया कि ज्यादती का निशाना बनाने वालों में से एक मुलजिम गोलगप्पे फरोख्त करता था। मुलजिम ने ज़कात देने के बहाने बुलाया और दीगर साथियों के साथ मिलकर ज्यादती का निशाना बनाया। खातून ने बताया कि वो मुलजिमान के डर से खामोश रही, उनके वरसा सुलह के लिए मजबूर करते रहे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खातून से मुबैना इज्तमाई ज्यादती का नोटिस लेते हुए फरार मुलजिम की भी फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है, जबकि उस्मान बुज़दार ने RBO से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली है।